वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, आप इधर क्या देख रहे हैं? तो बात कुछ ऐसी है कि हम थोड़ा बहुत वेट लॉस भी कर रहे हैं, कोशिश करते रहते हैं, तो दरमियान में दोपहर को भूख लग जाती है, तो बंदा क्या करे। तो उसके लिए फिर बाहर से जो भी मंगवाओ उसमें कैलोरी बहुत हाई होती है, सलाद वगैरह भी मंगवाऊंगा तो बंदा खा खा के थक जाता है। तो बंदा ने सोचा कि आपके नाचीज़ भाई ने सोचा कि क्यों ना एग बॉयलर लेके आया जाए। यूट्यूब भरा पड़ा है एग डाइट्स को लेकर, सुबह 3 खाओ, दोपहर को 3 खाओ, रात को भी 3 खाओ, कुछ ना खाओ, एक हफ्ते में 5 से 6 किलो फ्लैट। तो ये शालमी मार्केट में बैठे हुए हैं गजनफर ब्रदर्स, उनसे मैंने मंगवाया एनएक्स का एग बॉयलर। इसके अंदर आप सब्जियों को काट कर भी स्टीम कर सकते हैं और वो बड़ी मज़ेदार सी रोस्ट हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। प्रोडक्ट को असेंबल कर लेते हैं फॉरन से। एक फर्स्ट ट्रे मौजूद है, इसको डाल लेते हैं। इसके बाद इसका एक्सटेंडर स्टैंड है, उसको भी रख लेते हैं, और फिर एक और एक्सटेंड है, वो रख लेते हैं। और इसका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, और ये इस तरीके से ये प्रोडक्ट असेंबल हो जाएगी। ये जो वाटर कंटेनर आप देख रहे हैं, इसमें एक ये नीडल गिवन है यहाँ पर, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पर जो मैंने आपको बताया था कि जो कंटेनर है उसके नीचे एक नीडल गिवन है, वो क्यों है। उसकी वजह यह है कि आप इसके बिल्कुल टॉप एज पे हल्का साइज के ऊपर पिंच कर देंगे, ऐसे एक सुराख हो जाएगा जिससे जो स्टीम है वो एग के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी इस तरीके से। ये पानी ऑटोमेटिकली जब खुश्क हो जाएगा तो ये ट्रिप कर जाएगा। दस मिनट में उबले भेंडे रेडी हैं। काला नमक लेते हैं। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है एनएक्स की।